सुंदरबनी स्थित भारतीय सेना की 28 ब्रिगेड द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत सुंदरबनी के सीमा रेखा से सटे गांव में एक हथियारों की प्रदर्शनी लगाकर बच्चों को हथियार चलाने व आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक रविंद्र रैना ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा यह बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। सीमांत क्षेत्रों के बच्चों को आत्मरक्षा की एवं हथियार चलाने की जानकारी होनी चाहिए ताकि वह अपनी रक्षा खुद कर सके। जो यहां बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सेना ने हथियारों का डिस्प्ले किया और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़े, बच्चे मजबूत हों, बच्चों के अंदर सेल्फ डिफेंस बढ़े, इस किस्म की ट्रेनिंग आज बच्चों को दी गई। बच्चों को वेपन किस तरीके से चलाए जाते हैं ताकि मुश्किल वक्त पर ये बच्चे अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सके। पिछले दिनों हरियाणा के अंदर एक प्रद्युम्न जैसा एक बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई, शायद उसको भी अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी होती, उसको भी अगर इस प्रकार के कैंपों के अंदर जो वेपन्स का डिस्प्ले किया होता, शायद वो नौजवान, शायद वो छोटा बच्चा बहादुरी से लड़ता। इस विषय को लेकर, इस मिशन को लेकर स्कूलों के अंदर जो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर क्षेत्रों के अंदर ये जो डिस्प्ले का कार्यक्रम किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारी सेना यहाँ बॉर्डर के ऊपर दुश्मन से लड़ती है, आतंकवादियों को मौत के घाट उतारती है। जब भी देश के अंदर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, हमारी सेना लड़ती है। और वहीं बच्चों को इस प्रकार का प्रोत्साहन देकर, बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाकर सेना ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं सेना के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूं इस प्रकार के कार्यक्रम आने वाले दिनों में और बढ़िया तरीके से हर जगह पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। 24 आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।